अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां मेज़बान मेराज हबीब। हिन वक़्तु सिंध जा लखे माण्हू रोडनि ते आहिनि ऐं हिन वक़्तु जिन माण्हुनि जो सभु कुझु लुड़ी चुको आहे उहे बीमारियुनि सबबु मरण जो सिलसिलो तेज़ थी चुको आहे। गुज़िरियल 24 कलाकनि में PDA में जे ॾिनल अंगनि अखरनि मूजिबि सिर्फ़ु खैरपुर ज़िले में 40 खां मथे माण्हू मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि सबबु मुआ आहिनि, जॾहिं त उन समेत जेको तइदादु आहे उन खां वधीक आहे। मुख़्तलिफ़ जेके डॉक्टर आहिनि उहे मुसलसल इहो ॿुधाइनि पिया त सिंध में तेज़ीअ सां बीमारियूं पखिड़िजनि पियूं ऐं उन सबबु माण्हू मरण जो सिलसिलो जारी आहे, जंहिंमें सभ खां वॾो तइदादु मासूम ॿारनि जो आहे। जेका सूरत हाल असांखे बरसाति दौरान ऐं उनखां पोइ नज़र आई, हिन वक़्तु जॾहिं उन्हनि माण्हुनि खे बचाइण जी कोशिशि करणु घुरिजे, ॿिनि वेलनि जी मानी ॾियणु घुरिजे, उन्हनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु घुरिजे, त उन ते बि हुकूमत जी वाज़ तौर ते नाइली नाकामी हिन वक़्त ताईं नज़र अचे पई। जेका सूरत हाल आहे उन बाबति पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे फोनलाइन ते जॉइन कयो आहे क़ौमी अवामी तहरीक जा सरबराह मोहतरम जनाब अयाज़ लतीफ़ पली जो साहब। अयाज़ साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम महराज। ऐसा ॿुधाए जो जेका सूरत हाल असां ॾिठीसीं, हिकु त अॻु में तयारी न हुई, उन खां पोइ करणो छा आहे इहा ख़बर न हुई, कुदरती आफ़त चई ऐं इहो तासुर ॾियण जी कोशिशि कई वई त अचानक सां ही सूरत हाल पैदा थी आहे। उहा सूरत हाल पैदा थी वई ऐं हाणे जॾहिं माण्हुनि खे बचाइणो आहे, रेस्क्यू ऐं रिलीफ में बि नाकाम नज़र अचे पई हुकूमत, हिन वक़्तु बाज़ाबता तौर ते माण्हू मरनि पिया ऐं बीमारियुनि में मुसलसल इज़ाफ़ो थिए पियो। अवां कीअं पिया ॾिसो सूरत हाल खे? लॻे ईअं पियो त हिकिड़े लुटेरनि ऐं फोरुनि जे वर चढ़ी पिया आहियूं ऐं लुटेरा ऐं फोरो उहे जेके वरी नशे में मदहोश के मवाली हुजनि या चरनि जी हॉस्पिटल मां भॻल के फरार मुलज़िम हुजनि, जिन खे ख़बर कान थी पए कचहरी वेठा कनि कट किथां आणणो आहे, दादो खे हितां ॿोहण था, हीरो ॾिठोणो आहे, हिन बंद खे हितां कटाइणो आहे या कोन आणणो आहे, जोॾे खे हितां ॿोड़ाइणो आहे या बदीन खे हुतां ॿोड़ाइणो आहे, बदीन में हिन पासे खां कटणजे या हुन पासे कटणजे, कंहिं माण्हूअ खे डायसेक्शन मेडिकल जे शागिर्दनि खे को लाश ॾिजे त उहो माण्हू मोल हुजे, पर लाश जी वढ कुट कनि मरीज़ सिखण लाइ शागिर्द सिंध खे हिकिड़ो लाश बनाए टेबल ते रखी सिंध जे माण्हुनि खे हिकिड़ो लाश बनाए हुनजी वढ कुट करे हुन ते मश्क पिया कनि। ही माण्हुनि खे कीअं पिया ट्रीट कनि, माण्हू जो अंदरि सड़ी वञे, सॼी दुनिया तव्हांजी इमदाद लाइ पहुती आहे अची, जेको बुखियो मुल्क आहे अमरीका ऐं चीन बि त ठहियो, जेको बुखियो मुल्क वीचारो मिस्किन नेपाल आहे सो बि तव्हांखे मदद पियो मोकिले, सॼी दुनिया चए पई त हिननि जा बचा रस्तनि ते वेठा आहिनि, सॼे पाकिस्तान में सभ खां वधीक तबाही सिंध में आहे। हींअर तक़रीबन 25 खां 30 मिलियन यानी 2.5 खां 3 करोड़ माण्हू पंहिंजे घरनि मां निकितल आहिनि, दर बदर ख़ाक बसर आहिनि, 10-10, 8-8 फुट पाणी बीठल आहे। कल मीरपुर ख़ासि में राति जो 2 नियाणियूं पंहिंजे घर मां सामान कढंदे ॿुॾी मरी वियूं आहिनि, लाश लुड़ंदा अचनि पिया, डेंगी फैलिजे पियो, कालरा ऐं डायरिया फैलिजे पई, दस्त माण्हुनि नंढनि ॿारनि जा उन ई पाणीअ में दस्त मिलनि पिया, जंहिं पाणीअ में वेठा आहिनि उन्हनि दस्तनि मिलियल पाणी वरी 10 ॿार ॿिया पीअनि था, वरी उन्हनि खे दस्त उल्टियूं शुरू थियनि थियूं, माण्हुनि जा लाश, जानवरनि जा लाश, ढोरनि जा लाश उन्हनि खे करे पोइ ही वरी मथां ॾंद कढी खिलनि पिया ऐं इमदादूं गॾु पिया कनि ऐं कूड़ पिया ॻाल्हाइनि त 25 अरब विराया अथऊं, 50 लख हेॾा विरायासीं, 5 करोड़ जूं मच्छरदानियूं विरायूंसीं, सरज़मीन ते का शइ कान्हे, सरज़मीन ते बुख आहे, लाश आहिनि, बीमारी आहे, कागज़नि जो पेट भरे अरबे रुपया खाइनि पिया, जेके ॾोहारी किरनल आहिनि से चवनि पिया त असीं पंहिंजो पाण विकिणी छॾींदासीं, माना ही त जीअं फिल्मूं को अमरीश पुरी को वेठो, जेको पाकिस्तानी नूर नथ को वेठो हुजे मौला जट फिल्म में, उहो वेठो जुमला ॻाल्हाए, माण्हुनि जे पटनि ते लूणु वेठा बुरकी। ही सिंध सां महिराज ॿितरफ़ी मल पई थिए, हिकिड़ी तरफ़ इहो पियो थिए त सिंध खे तबाह पियो कयो वञे, ॿियो तरफ़ सिंधियुनि खे रोकियो पियो हुजे त कराची न अचो, सिंध सॼी पाण हिकु आहियूं। महिराज भले ख़ासि के लीजे, अयाज़ लतीफ़ पली जो भले मला हुजे, टियों खणी ॿियो सूमरो वेठो हुजे, चोथों सैयद हुजे, पंजो बागड़ी हुजे, छहों कोली ऐं भील हुजे, पाण सभु हिकिड़ो आहियूं, हिकु माण्हू आहियूं। उनमें वरी कराची में जेके क्रिमिनल टोल आहिनि से चवनि था त हिननि इलाइक़नि में उत्तर सिंध जा माण्हू न अचनि, मलीर जे हदीद जे हिननि इलाइक़नि में उत्तर सिंध कंहिंजी आहे, उत्तर सिंध बि असांजी आहे, कंदकोट, जेकबाबाद, शिकारपुर, घोटकी, लाड़काणो, खैरपुर, इहे कंहिंजा आहिनि, इहे असांजा आहिनि, असीं सिंधी सभु हिकिड़ी मुठ आहियूं, हिकिड़ी तस्बी आहियूं। उते जा माण्हू दर बदर थी केन शाह ऐं मेड़ जा अचनि, उन्हनि खे चवनि त हिन इलाइक़े में कोन रहंदासीं, इहा कैम्प वञी केॾीमहिल चवनि था माण्हुनि खे हीअं था ट्रीट कनि जीअं 2 चोटियूं धर्म नसीम खरल जो किताबु हो, जंहिंमें लाश पे लुड़ियो ऐं SHO में विड़िया, हिकिड़ा चवनि था हिननि खे मलीर मोकिलियो, ॿिया चवनि था हिननि खे मश्किरी त ॾींहुं गुज़री वञनि जी टाइम गुज़रे, ॿिया चवनि था हिनखे तबलीग वारे ग्राउंड में मोकिलियो, ॿिया चवनि था हिननि खे फलाणे रेस कोर्स में मोकिलियो, चोथा चवनि था हिननि खे फलाणी कैम्प में, जीअं माण्हू भॼी वञनि ऐं ॿिए
पासे ही छा पा कन बे पास कराची के दहशतगर्दन के अफगानिस्तान में आयल इलीगल इमिग्रेंट्स के भारत में आयल इलीगल इमिग्रेंट्स के उन्होंने वेलकम कह वोट दाखिल कराइंदा टिपा दींदा बो वजीर साहब चे तो करोड़ मानू आबाद को प्रिंस जो घर है जैमें करोड़ मानू आबाद को बॉबे से गड खी आया संत वतन में पटे वाला टके मू किरियल गलीज मानू उ चवन था सिंधन के पा चवन अयाज पली जो घर हुए मेराज जो घर हुए उनमें वही अफगानी इलीगल इमिग्रेंट अची चे तो मेराज के बे कमरे में वन न ींदी इनके बॉबे जो मुल्क है असो अंदर पो सड़े ए सिंधन के 1500-2000 बई पेरी सिंधन के पेनू बनाए इनकम सपोर्ट प्रोग्राम छो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो अवी इज्जत नफ्स खत्म कर तवे टके टके फकीर बनाया तो जी जैं तई मरो जैं तई तबाह थो तो वही 1000 रुपये की तवे सामूँ नोट उछलाजे उन नोट के करे तभी पाया वो जिल तू विसारे वाली नोट के पया भजो इन सिंधन से को भी वास्तो को सिंधी को तरक्की कन सिंधी को पैने पेरन से बीहन इनके उनके रुस्वा करो उनकी इज्जत नफ्स खत्म करनी है सिंधी ऑफिसर जो अचे तो वो धंधो कर अचे तो मेजॉरिटी देर आर एक्सेप्शन आई एम टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी सिंधी ऑफिसर की अचे थी वो अचे थी तो वकील एतो केस हल्ला पैसा कमाए वह डॉक्टर एतो कमाए वह हलिया टीचर पा ट्यूशन सेंटर दिन असानी पगार फिक्स है 50,000 लख डेढ़ लख ब लख असा धंधो करो है पैसा बाबा सी एस एस कर धंधो करना आया तेरे करे हाने वे वजीरन एमएनएस एमपीएस जा पटे वाला थी धंधो पा कन तो जो पैसा कमायों को टोरंटो में मिसिसागा में को ह्यूस्टन में न्यूयॉर्क में दुबई में लंडन में वही असि घर वो उत धंधो आई बोध पा सब उनको धंधो आयो हूँ तो अरबे रुपया ठाईंदा तो ये वही शिकागो में बंगला वा ये वही टोरंटो में घर वा उत अद अद पा इतने वेठा हूँ जालू ए बार इन हों लंडन में एबरडीन में अबूजैबी में उतना बच्चा पढ़ा पे उन फोटा कदें कदें ओचितो साल में एक दफो जाहिर था ये चप्पड़ मेड़े सारी बोध मुतासर जहाँ लाश विकणी इमदादू गड कर एमएनएस एमपीएस वजीर जहाँ पठू थी तो ये पैसा बहर मोकिलींदा ये वजीर सब तंध कटी खिलन पाया ये चवन पे अस 2023 में वही खटींदी वही साल बिन का सिंधन के वही ॿोड़ींदी वही खटींदी इन लाश के असि पा विकणंदी इन पान सा हशर कर छो है उन हशर के कर सिंध जो मानू हाँ एतो गुलाम एतो हिसजी वो है एतो दबजी वो है जो गाख ऊंचो कर गाले भी डिजे तो सब इन इन जो सबब छापा समझो जाहिर जहाँ हि सी सूरत हाल अस नजर अचे पी जड़े तरीके से मानुन के निदड़को कर छे दिनों वो है अस मुसलसल दसूँ पे यह सूरत हाल नजर अचे पी एहसास छो ना बेन सूबन में भी जाहिर अड़ी सूरत हाल थे थी उत असूँ था उत असो भी नजर अचे तो किथे न किथे डिलीवरी भी थे थी मानुन तई शन भी अथ पर इतने बाजाबता तौर से मानुन के ये दिसण वटा मिले पियो तो जण छडे दिनो वियो आहे भले ही मरन भले ही बीमारियों में विकोड़जन पर का भी हुकूमत को सहारो न बणजंदी मानुन जो जेके जे शय ते चूंडजी हु अचन था उन जे लाए भी को कम न कंदा महाराज दिसो ता साफ ही एंकर रहयो याद कयो जडे एकडो सिंधी चैनल हुंदो वरी बथिया तो साफ ला मौका पैदा थिया ना एकडे चैनल मन करन बेना वणन बे मते बे फोन जे चैनल दर्जन अखबारूं अगे एक अखबार होंगी हिलाल पाकिस्तान वो इबरत आई वो आफ्ताब है मेहरान तो साफ ही हिलाल छड़ी इबरत में वो इबरत छड़ी मेहरान में वो जियो छे तो एआर वाई तो वे एआर वाई छे तो समा तो वे ऑप्शन से दुकान मेडिकल स्टोर इन फलाना से कोने कराची में एनआईसीवीडी या जनाज या सिविल के सामूँ बे का दवा मिली ते ऑप्शन सिंध में ऑप्शन आई को सिंध में सिंध के इंटलेक्चुअल्स राइटर्स पठुअन एक्स ब्यूरोक्रेट्स ब्यूरोक्रेट जरिए सिंध के बे ऑप्शन के कुचलो वो दुकान एकड़ो ही खुल है उन दुकान वाले के खबर है तो केन शाह या जुंग शाह या थरी मीरवा में एकड़ो दुकान है केदा वो दवा या बो नंबर दियास टो नंबर दियास पानी मिलल खीर दियास खीर जो दुकान ही एकड़ो है उन दुकान से सिंधी त्रिपाठी बेजा तीर बेजा कर दुकान तक खीर वा बे दुकान खीर नाकाम बनाए बंद करा छींदा वो चवान हि दुकानदार खीर में पानी तो मिले अबा बो जो दुकान मिलो न तू वे को बे मानू जो तू औताक पे वे को फिल्म ठही को अमिताभ बच्चन की जरी जिंदगी वो फिल्म दिसी अमिताभ बच्चन जो फिल्म दिखारे जहां अदाकारी करे तेजे करे सिंध के मानुन सा ही हशर न कर जो बो ऑप्शन को भले एक बी गाल है महाराज तवा अस पा सजे दी सिंध में अखबारों पढ़ा रसाल दसूँ था भले ही 130 चूजल एमपी 30-40 स्पेशल एमपीज and a member of provincial assemblies and senators and qomi assembly इन पे को अड़ो बागैरत मानो कोने जो को पार्टी के अंदर में इजलास में कुछ है बाहर अची चवे मानो में थोड़ो हया शर्म हों गैरत होंगी है वो मानो एकड़ो अची बाहर गल चे सही जरदारी साहब
शहबाज शरीफ साहब ये सब जुल्म पे मिली सिंध मरे पी मिली मुझो जमीर मुख्य मलामत करे मुझे मिली मुझे आऊँ घर वहां तो वजीर आया मुझी न्याणी है मुझी जाल उन न्याणियों जालू पुत को पुछन इन वजीर जैसे घर वन इन जालू बालू को धीओ है पुत को अमड़ी को भावर वो उनके चवन को वजीर के दादा तू पटको बजी अज घर पौतो ही कैबिनेट जो इजलास कर वो सिंध बुदी पी आ तुआ जिलो बुदो पे मू पिन पा मू मरन पा तो कैबिनेट में कड़ो फैसलो करा को पुछण वो को घर में केर को पुछ उन राति दोस्त जिन से रात जो ढुक हंदा उन ढुक जैसा वजन था उन कंपनी में जो साहसी कलमकार बया मू वेठा ओदी मल हिंसर कचहरी महफिलू हल्द हूं एम एन एम पी ए वजीर से महफिल में के मू वेठा हूं उन्होंने कोई बेड़ो गैरतमंद साहसी कलमकार अदीब ब्यूरोक्रेट ऑफिसर वकील डॉक्टर को वजीर के चे भी इतने पा कचहरी पा क्यों गाड़ी बोतल खुली पी आ टिका पा अचन वो सिंध पिने पी सिंध बुखी है सिंध लंघण है सिंध में लाश पा तो कैबिनेट में तू कैंप छो को करी तू टेंट सिटी छो को कराची में लगाई तू बयान छो को दी तू बोध मुतासर के बटे लख खैमन की कैंप ला तू कोशिश छो को करी अरे सिंध जो पुट रही या बेस जो पुट रही तू केर ही केर उनके चले को तो अरे इबलीस अरे शैतान तू सिंध के वोटन पे चूंड जी तू खरपति थी वही तू सिंध जो माओ है बच्चा पिनन पे तू गलाई कोन तो तो शर्म कोन तो छे उन जी जाल कोन थी चेस ए मुजा मुर्स तू जे अखिन में ते दिसा त मके एकड़ो अनूद कासाई जी खन दी नजर आ जे मेरे को माल खपे माल खपे ब्यूरोक्रेट सेक्रेटरी में कान के केर को तो छे डीसी के उन जी जाल कोन थी चे मुख्तियार कार है कमिश्नर के कोन थी चे तो शर्म कोन तो छे इरिगेशन का ऑफिसर है इरिगेशन का वजीर है इरिगेशन का सेक्रेटरी ते खरबे रुका खाई रहयो ता सिंध लुटे तबाह गई है और केर पूछे ही कोन तो का अकाउंटेबिलिटी काने सिंध में को अड़ो बाजमीर ब्यूरोक्रेसी में या वजीरन में या असेंबली मेंबरन में को मानो कोने जेको गैरत करे बाहर प्रेस क्लब पे हलियो जे चाहे तो आओ आई स्टैंड हियर I just defend my motherland. I am not ready to defend my government. Ah, hukumat ji tarjumani kon kandus aap pare watan ji hifazat kandus. Edo hikdo maanu ko ne jeko press club te ji chave ta mukhe budan do ache munji sindh budi priya me be sindh ke chad mujo zilo budo kya mujha maanu maran pya inen mukhe vote dena hai na a protest to raha hai aur assembly me assembly jo ijlas to request kiya ker wo maanu ko ne hi corrupt tole me ko hikdo sai linge haya sharam ghairat waro ऑप्शन न छो वो है अक्सर ऑप्शन जो जिक्र थे तो जैसे मुतबादल की गाल अचे थी उन वक्त असं यो भी दिसूं था किथे किथे मौक़ा भी पैदा थियन था इन ही सूरत हाल में असं दिठोसीं असं मुख्तलिफ़ जायन ते जैसे पीपल्स पार्टी जा वजीर मुशीर उन के मानुन रोकियो खिलाफ़ एहतजाज थिया केतरन ही जायन ते केस भी दाखिल थिया समझो पाया तो अगर गडजी सजी जेके कोमपरस्त हुआ सिंध जा साझा वंद हुआ इन सूरत हाल में सिंध के मानुन सा गड बीहन हा गडजी को इतिहाद जी सूरत में हर शहर हर गोठ वन हा तो सूरत हाल मुतबादल वारी उहा पैदा थी पे सगी ए मुख्य इन वक्त भी है अला उन्हें के तो कुछ लो जो बने ना सिंध जा समय कारकुन तो जेलन में गुम के लेन ना सिंध जो जेको कौम परस्त कारकुन प्रोग्रेसिव कारकुन एहतजाज तो करे वो बहरिया जो एहतजाज करे जजीरन ते करे उन्हें एफ आई आर करी बदन था ना ये तो ज्याज दौर में भी कोई दफो मानो बदा छियासी में या छियासी में ये तो मुसलसिल उनके बदन पे ना अच्छा तभी वनो मसलन केन शाह आयाज लतीफ अली जो है मेराज वन चाहिए उहे तरीको वञनि अंदर या पोइ पाण कद्दू को सुकल रखी पेट जे हेठां या पाण को घड़ो विछाए वञूं तव्हांखे ख़बर आहे न मुख़्तलिफ़ फोरम्स ऐं मुख़्तलिफ़ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन्स जूं जेके ॿेड़ियूं आहिनि चाहे उन्हनि इख़्तियारी माण्हुनि खे मिलंदियूं या उन्हनि एक्सट्रीमिस्ट खे मिलंदियूं जेके हुननि ॾांहुं इंक्लाइंड हूंदा उन्हनि खे वठी वेंदा तव्हां असां वेंदासीं हाणे तव्हीं पंहिंजी वञी को लाच हथु कयो पंहिंजी सरकारी इदारो ठाहियो उनमें मोटर बोट हथु कयो सिंध जा कॉम्प्रेस कहिड़ी पार्टी जा मैदान में कोन मतिलबु ॿुधायो क़ौमी अवामी तरीक़े जा कारकुन एकवीह ॾींहं ऐं सुञाणी तरीक़े जूं भेनरूं रोज़ आहिनि हींअर बि आहिनि कल्ह बि टियों ॾींहुं सिंध जूं ॿियूं पार्टियूं खणो एसीपी जा माण्हू एसटीपी जा तरक़ी पसंद पार्टी यूनाइटेड पार्टी जस्टम शहीद भुट्टो जीअं सिंध मुआज कहिड़ियूं पार्टियूं जे यू आई जा माण्हू सभिनी पार्टियुनि जा माण्हू मैदान में बीठा आहिनि हा बाक़ी ऑर्गनाइज एफर्ट हुकूमत वठंदी न हिननि वटि सिंध जा कलमकार अदीब कराची में दर्जन हैदराबाद ऐं कराची में नौजवान यूथ एन जी ओस सभु मैदान में लॻा पिया आहिनि चैरिटी ऑर्गनाइजेशन तव्हां सां बीठियूं आहिनि सभु माण्हू डॉक्टर्स बीठा आहिनि उहे कैंपूं पिया हलाइनि असीं रोज़ वञूं था राति जो बंदनि ते वञी माण्हुनि जी मदद था कयूं पर तव्हां सही था चओ त इन में वधीक ऑर्गनाइज एफर्ट्स जी ज़रूरत आहे पर ऑर्गनाइज एफर्ट्स लाइ रिसोर्सिस खपनि सिंध जो माण्हू जेको चंदो बि ॾींदो आहे सभु खरपतीअ खे ॾींदो आहे सिंधी वापारी मसलनि सिंधी हिंदू नियाणियूं खणी वेंदियूं आहिनि न
सॾु थींदो मतिलबु कॉम्प्रेस मैदान में थिए तव्हां असां रेडी कंदा आहियूं न त हिनजो फोर्स कन्वर्जन थियो पर जॾहिं उन्हनि खे चंदो ॾियण जो ईंदो आहे त सिंध जा जेके करपती वापारी हूंदा आहिनि त चंदा ॾींदा आहिनि करप्ट माण्हुनि खे हुकुमराननि खे सिंध जो जेको मिल ओनर आहे फैक्ट्री ओनर आहे टेक्सटाइल ओनर आहे उहो कंहिंखे पैसा ॾींदो वॾो आबादगार आहे उहो कंहिंखे पैसा ॾींदो सरकार खे त जीअं मूंखे MNA MP जी टिकट मिले नाज़मी मिले रिसोर्सिस कोन्हनि उन अणहोंद जे रिसोर्सिस बावजूदि सिंध जे आम माण्हू में जेको रेज़िलियंस आहे जेको हुन में जिदोजहद जो जज़्बो आहे जेको हुन में रेजिस्टेंस आहे सिंध हींअर बेचैन आहे सिंध मैदान में बीठी आहे सिंध जूं माऊं पियूं विढ़नि राति जो बंदनि ते पहिरां पियूं ॾियनि सिंध जूं नियाणियूं ऐं ॿार हिननि हालतुनि जो मुक़ाबिलो पिया कनि कैंपुनि में उन्हनि सां आउं वञी मिलंदो आहियां उन्हनि जूं कैंपुनि में जेको जज़्बो आहे सिंध जूं कोली भील मेघवाल रेबारी बागड़ी औरतुनि जी हिमत सां कटुनि जे हेठां वणनि जे हेठां मच्छरनि जो मुक़ाबिलो थियूं कनि बुख ते पंहिंजा ॿार पियूं पालीनि इहा हिकिड़ी क़ौमी जज़्बो ऐं जुरत आहे उन जज़्बे खे ऑर्गनाइज़ करण जी ज़रूरत आहे पर वोट में कीअं तब्दील कजे आया साहब उनखे वोट जी ताक़त में कीअं तब्दील कजे तव्हां ऐसा कंदासीं सिंध जे माण्हू जी मेमरी हिकिड़ी फिल्म आई तव्हांखे यादि हूंदो शॉर्ट टर्म मेमरी लॉस वारी गजनी उनखे अमरा खे 15 मिंट खां पोइ ॻाल्हि विझी विसरी सिंध जे माण्हू खे ही हुकुमरान में ई था सम्झनि त इन ते वरी अंग्रेज़ी में फिल्म थो मोमेंटो उहो मोमेंटो ॾिसजो माण्हू खे विसरियो वञे 15 मिंट खां पोइ त छा पियो थियो अल्ज़ाइमर जी बीमारी हूंदी आहे तंहिंजे करे माण्हूअ खे हिननि सिंधियुनि खे ॾंडा आणियो 2010 में वरी 2013 में वरी 15 में 17 में वरी मारायो कुटायो सिंधियुनि खे 6 महीने खां पोइ वरियो पूओ ॾियो शादी में उन्हनि खे नचायो उन्हनि सां फोटू कढायो उन्हनि खे वञी ख़ैरात जी मानी करायो बिरयानी जी देवियूं ॾियो हुनजी पुराणी ॻाल्हि मेमरी वॉश करे ॾिनी सिंधियुनि खे जेसीं पंहिंजी मेमरी ज़िंदा न रखंदा मिलान कुंडेरा दुनिया जो मशहूरु नॉवेलिस्ट उन चयो आहे त इनकलाब छा आहे इनकलाब आहे यादगिरीअ जी वेसर ख़िलाफ़ जंग जेका वेसर आहे विसरियो वञे उन सां यादगिरीअ खे विहणो आहे त मूंसां हीअ असरु थियो यादगिरी जॾहिं वेसर खे शिकस्त ॾींदी त सिंध तब्दील थींदी वॾी महिरबानी अव्हांजी अयाज़ लतीफ़ अली जो साहिबु असां सां गॾु मौजूदु हुआ जेका हिन वक़्तु सिंध में सूरत हाल नज़र अचे पई ऐं पाण ज़िक्र कंदासीं जेका हिन वक़्तु बीमारियुनि जो सिलसिलो असां मुसलसिल ॾिसूं पिया उन खां पोइ माण्हू मरण जो बाज़ाबता तौर ते जेके शयूं साम्हूं अचनि पियूं मुख़्तलिफ़ ज़िलनि मां ख़बरूं अचनि पियूं ऐं उन में बि सभ खां वधीक जेके अंग मिलियो आहे PDMA जी वेबसाइट ते जेके अंग अखर मौजूदु आहिनि उन में उन्हनि मासूम ॿारनि जो नज़र अचे थो जिन ते सभ खां वधीक हिन सूरत हाल जो असरु पियो उन बाबति पाण ॻाल्हाईंदासीं वक़्त जे ब्रेक जो असां सां गॾु अचो प्रोग्राम में एक भेरो बीहर भलीकार पाण जिक्र कंदासीं बरसातुनि ऐं बोड़ जी सूरत हाल खां पोइ सिंध में लखे मुतासिर थियल जेके मुख़्तलिफ़ कैंपुनि में मुख़्तलिफ़ जायुनि ते मौजूदु आहिनि उन्हनि में मुसलसिल बीमारियुनि में इज़ाफ़ो थींदे नज़र अचे पियो ऐं PDMA जी ऑफिशियल वेबसाइट ते मौजूदु अंगनि अखरनि मूजिबि सिर्फ़ु गुज़िरियल 24 कलाकनि में हिकु ज़िले खैरपुर में 40 खां मथे माण्हू फोत थी चुका आहिनि ऐं सबबु इहो ई आहे त बीमारियुनि में मुसलसिल इज़ाफ़ो थिए पियो मुख़्तलिफ़ बीमारियूं आहिनि जिन पारां कर खयो वियो आहे सिहत खातो हिन वक़्तु ताईं उन ते को वाज़े तरह सां असांखे नज़र न पियो अचे ऐं माण्हुनि खे जीअं अॻु बेयारो मददगारु छॾियो वियो हाणे बीमारियुनि में माण्हू मरण जो सिलसिलो शुरू आहे सिहत खातो असांखे नज़र न पियो अचे पाण इन सॼी सूरत हाल जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं जेके कहिड़े क़िस्म जूं बीमारियूं आहिनि जेके हिन वक़्तु थियूं आहिनि कहिड़ा क़दम खणणु घुरिजनि ऐं जिते सिंध हुकूमत इहो ॿुधाए थी त हीउ पाणी निकिरण में अञा 3 खां 4 महीना लॻंदा त तेसिताईं कहिड़ी सूरत हाल थी सघे थी उन बाबति ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे हिन वक़्तु फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे डॉक्टर सईद अहमद ख़ान साहबु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि डॉक्टर साहबु अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए मुझे ये बताइएगा इस वक्त जो सूरत हाल है सिंध में ज़ाहिर बरसात और उसके बाद फ्लड के बाद अब जो लाखों मुतासरीन हैं वो कैंपों में हैं इस वक्त किस तरह से आप सूरत हाल देख रहे हैं सिंध में बारिशों के बाद जो पानी खड़ा हुआ है मच्छरों की वजह से कौन सी बीमारियां हैं जिनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है जी अस्सलाम वालेकुम बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का सैलाब के बाद जो हालात हैं वो काफी मुश्किल हैं उन मुतासरीन के लिए जो उस वक्त अभी भी पानी में मौजूद है और जैसे ही सैलाबी सूरतेहाल खत्म होती तब भी बहुत सारी मुसीबतें और मसाइल उनके लिए मुंतजर हैं
एक तो तारिक उनको जो सदमा है कि उनके घर बार छूट गए हैं वो एक अपनी जगह, लेकिन जो बीमारियां हैं वो बड़ी मुश्किल से प्यार से इनको दो चार ये हो रहे हैं लोग। और इसमें इन्फेक्शियस डिजीज सबसे टॉप पे है, जिसमें पेट की बीमारियां, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे जो है वो उनको साफ पानी मुहैया नहीं है, अभी भी वो उस पानी में मौजूद है और वही पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस पानी, गंदे पानी के इस्तेमाल से पेट की बीमारियां, जिसमें कॉलरा, टाइफाइड और इस तरह की बीमारियां बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे। फिर स्किन की डिजीज हैं, जिल्द के अमराज बहुत सारे हैं यहाँ पे कि ये लोग ह्यूमिड एनवायरनमेंट में हैं, और फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है। फिर मच्छरों की वजह से जो बीमारियां फैलती है, जिसमें मलेरिया सबसे टॉप पे है, डेंगू है और इस तरह की बीमारियां जो मच्छरों के जरिए फैलती हैं, क्योंकि इन पानी में मच्छरों की अफजाइश बरसात के साथ हो रही है और काफी बीमारियां जो मच्छरों के जरिए फैल रही हैं वो भी यहाँ पे फैल रही हैं। बहुत सारी खवातीन जो हामला है उनके लिए इस वक्त बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक जो ओवरऑल मुतासर इलाके हैं इसमें 6 लाख के लगभग खवातीन, हामला खवातीन है, और उनमें से तकरीबन 70,000 जो है अगले एक महीने में उनकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जो मुसलसल इजाफा हो रहा है और हम देख रहे हैं कि इससे अब अमवात का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, आप क्या समझते हैं कौन से इकदाम करने की जरूरत है ताकि कम अज कम अमवात हो सके? जी ये बहुत बड़ा आलमिया है, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इकदाम की जरूरत है, वो काफी कर भी रही है लेकिन वो नाकाफी है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इन्वॉल्व हो गई है इसमें, अभी मुखर हजरात भी इसमें हिस्सा डाल रहे हैं, लेकिन जिस सानिहे से ये मुल्क दोबारा दो चार हुआ है जलजले के बाद, तो ये बहुत बड़ा जो है इंसानी अलमिया है और इसमें मजीद ज्यादा करने की जरूरत है। स्पेशली हेल्थ जो सेक्टर है उसमें बेतहाशा इकदाम की जरूरत है कि जहां जहां पे ये फैसिलिटी नहीं है फौरी तौर पे वहां पे वक्ती फैसिलिटी भी बनाई जाए, और आगे फ्यूचर में वहां पे मुस्तकिल जो है हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज और इस तरह की हेल्थ भी सहूलियात मुहैया किए जाए। जिस तरह मैंने बताया फौरी तौर पे तो ये जो हमला खवातीन के लिए बंदोबस्त करना चाहिए कि ताकि ये एक डिलीवरी इनकी जो एक्सपेक्टेड है वो भरपूर हिफाजत से हो, और जो इनके अपने सेल्फ स्टीम है उस वो भी मुतासर ना हो। फिर इंफेक्शियस डिजीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, इस वक्त पानी जगह खड़ा है तो वहां पे स्प्रेज होने चाहिए कि जो मच्छर है और इसके लार्वा है उसको तलफ किया जाए, अदरवाइज ये बीमारियां मजीद आगे जो एक महीना है इसमें मजीद बारिश एक्सपेक्टेड है तो बीमारियां चलती जाएंगी। और बहुत सारे लोग एक कैंप्स में रह रहे हैं तो क्लोज कॉन्टैक्ट है, तो इसको भी देखना चाहिए कि जो वबाई अमराज है खुदाना खास्ता अगर कैंप्स में फूट पड़ते हैं तो बहुत ज्यादा लोग मुतासर हो सकते हैं, तो बाकायदे तौर पे तिब्बी अमले को वहां पे डिप्यूट करना चाहिए कि हर कैंप में जो है तिब्बी अमला मौजूद हो, बर वक्त उनकी तशखीस और अद्वियात की फरहमी को यकीनी बनाना चाहिए, क्योंकि काफी जगहों पर अद्वियात की कमी इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। जो फ्लाइट टीमें हैं वो कोशिश कर रही हैं लेकिन काफी जगहों पर इस वक्त अद्वियात की भी कमी है, स्पेशली एंटीबायोटिक्स, एंटी मलेरिया ड्रग्स, एंटी फंगल ऑइंटमेंट, और शेखार बच्चों के लिए दूध फराहम करना जो है इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर साहब इस पूरी सूरत हाल में जाहिर है एक तो ये सूरत हाल हो गई, हम देख रहे हैं मुसलसल जो इजाफा हो रहा है, फिर जो इकदाम करने चाहिए हेल्थ डिपार्टमेंट को, लोग खुद को कैसे महफूज कर सकते हैं? ये जो मुसलसल एक तो इजाफा हो रहा है, आपने स्किन का जिक्र किया, मच्छरों की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं, और उसके अलावा गैस्ट्रो का हम मुसलसल देख रहे हैं, उसमें काफी लोगों की जाने जा रही हैं, तो इससे खुद कैसे लोग बच सकते हैं, उसके लिए क्या इकदाम कर सकते हैं ताकि कम अज कम अपनी और प्यारों की जिंदगियां बचा सकें? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बहुत सारी चीजें हैं जो हुकूमत की करनी की है या इज्तिमाही तौर पे करनी की है, कुछ ऐसे इकदाम है जो इंफरादी तौर पे हम करके अपने आप को बचा सकते हैं, या घरेलू ये खानदान के लेवल की है जो उनको करनी चाहिए ताकि फौरी तौर पे वो बीमारियों से बच सकें, या कहाँ हद तक कोई बीमार है तो वो बीमारी मजीद ना फैले। इसमें मच्छरों के लिए फौरी तौर पे ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो इन मच्छरों से आपको डाम के रखें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि जहाँ पे ये लोग हैं तो मच्छरदानी जो है वहाँ पे मुहैया की जा सकती है। फिर इस तरह के मच्छर मार अद्वियात, पर्सनल जो है लोशन है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है,
पानी को कोशिश करनी चाहिए कि उसको अगर साफ पानी मुहैया नहीं है तो जो पानी है उसको कम से कम बॉइल किया जाए ताकि बीमारियां जो पेट की है वो ना फैले। और सफाई का हद तुल मकदूर कोशिश करनी चाहिए कि जितना भी इंफरादी तौर पर है वो सफाई को इंश्योर किया जाए, कड़े पानी में ना रहा जाए और जितनी भी वहां पे सूखी जगह है वहां पे कोशिश करनी चाहिए ताकि बीमारी मजीद ना फैले। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर सईद खान असा गड मौजूद हुआ। सिंध में जो सूरत हाल है वह इंतहाई भयानक है। लखे मू कैंपन में आन जिनों सब कुछ विंजी चुको है ए जिन मानुन जो अल्लाह ताला लुड़ी वो है वो हाँ बीमार में मरन पाया। मासूम बचड़ा बीमार में मुसलसल मरन पाया। असन के मुख्तलिफ शहर में तेजी से मू मरण जो सिलसिलो शुरू थी चुको है जैमें सब का वो तादाद मासूम बारन जो आहे जेके अंग अखर आहिन उनमें भी हुकूमत वाज़े शयूं न पई करे। बिन टिन ॾींहनि खां जेका सूरत हाल पीडीए में जी वेबसाइट ते नज़र अचे पई उनमें भी इहा शइ वाज़े तौर नज़र अचे पई त कंहिं हिकु ज़िले जा सिर्फ़ु अंग अखर 3 ॾींहनि खां ॾिना पिया वञनि। हालांकि उन खां अॻु में सभिनी ज़िलनि जी जेका सूरत हाल हुई उहा ॾिनी पई वञे पर हिन वक़्तु उते बि असांखे कंहिं अंग अखर न पिया ॾिना वञनि। ऐं नई डिप्टी कमिश्नर उन हवाले सां अंग अखर गॾु हिन वक़्तु कनि पिया। ऐं नई असांखे सिंध में को हिन वक्त सिहत खातो नज़र अचे पियो एक्टिव थींदे इन सूरत हाल में माण्हुनि जूं ज़िंदगियूं कीअं बचाइजनि उन तरह को बि ध्यानु हिन वक़्त ताईं सिंध हुकूमत जो नज़र नथो अचे जिते मुकमल तौर ते वाज़े तौर ते हिन वक़्त ताईं सिंध हुकूमत जा जेके मुख़्तलिफ़ खाता आहिनि उहे नाकाम थींदे नज़र अचनि था। इन सां ई प्रोग्राम जेको पंहिंजी बिरयानी ते पहुतो पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त तलब आई।